हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से KFC बिग बैश लीग सीजन 12 के अंदर। मुकाबला है पर्थ स्कॉचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में। यह मुकाबला जो है दिन का दूसरा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला जो है मेलबर्न स्टार और जो है सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाने वाला है। दूसरा मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाने वाला। दोनों टीमें टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं, तो ये दोनों टीमें जो है काफ़ी टक्कर देने वाली है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों टीमों में जो है बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी मौजूद है। एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे कप्तान पीटर सिडल, तो दूसरे तरफ आपको देखने को मिलेंगे एस्टर टर्नर, जो कि कैप्टन के भूमिका में हैं, क्योंकि जो है मिचेल मार्श टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो चुके हैं और उसके बाद एस्टर टर्नर को कैप्टन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बेहतरीन मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ आपको देखने को मिल गए पेस गेंदबाज वेस एगर, तो दूसरी तरफ आपको मिलेंगे एंड्रयू टाई, और एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे हेनरी थ्रॉन्टन, तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे जॉय रिचर्डसन, जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। तो मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होगा। एक तरफ आपको लिन देखने को मिलेंगे, तो एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे जो है वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, और यह मुकाबला वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के बीच में होने वाला है। आप देख पाएंगे इस मुकाबले में राशिद खान को देखने को मिलेंगे, आपको जो है एस्टन एगार देखने को मिलेंगे, तो यह मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। चलिए हम आपको इस वीडियो में जो है वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम के बारे में बताएंगे, और आप बिना स्किप किए वीडियो को देखकर एक आप बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाकर जो है ड्रीम 11 पर फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, और जो है एक बेहतर टीम से आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए तो आपको बताते हैं बिग बैश लीग का जो यह मुकाबला होगा वह ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में खेला जाएगा, जो कि दूसरा मुकाबला होगा और यह 15:45 पर आरंभ होगा भारतीय समय अनुसार। चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस पिच पर आखिरी मुकाबला जो हुआ था वो सिडनी सिक्सर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में हुआ था, जो कि 17 दिसंबर 2022 को खेला गया था। यह दिन का दूसरा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला हमने बता दिया है कि किस किस टीम के बीच में होने वाला है, और पर्थ पिच जो होती है वह उछाल और बाउंस इस पर रहता है, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है और तेज गेंदबाज जो है यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करते नज़र आते हैं और यहाँ पर अधिक विकेट मिलता है। ये जो है पर्थ स्कॉचर्स टीम का होम ग्राउंड भी है, तो यहाँ पर पर्थ जो है काफ़ी मजबूत रहने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं रन्स पर ओवर इस पिच पर क्या क्या बनते हैं। तो इस पिच पर जो है 9.7.9 की औसत से रन बनते हैं पर ओवर। फर्स्ट इनिंग का स्कोर देख लेते हैं, तो 155 रन 9 विकेट के नुकसान पर टीम ने बनाया था। वहीं सेकेंड इनिंग में 117 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो गई, तो 155 रन चेस करना काफ़ी कठिन होता है इस पिच पर। 133 रन पहली पारी में बना था, वहीं दूसरी पारी में 137 रन बनाकर टीम ने यह मुकाबला 19.4 ओवर में जीत लिया था। वहीं 91 रन 9 विकेट के नुकसान पर इस पिच पर बने थे, इसको कि 95 रन बनाकर 13 ही ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया था दूसरी टीम ने। 130 रन 8 विकेट के नुकसान पर गिरे थे, जिसको कि चेस नहीं कर पाई थी टीम जो बैटिंग सेकंड कर रही थी, और 101 रन से वो मुकाबला जीत गई थी। 129 रन 9 विकेट के नुकसान पर ही टीम बना पाई। 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जिसको कि 16.4 ओवर में चेस कर लिया गया था 158 रन पर 3 विकेट गवा करके। 112 रन 10 विकेट के नुकसान पर टीम ने बनाया था, जिसको कि 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर में टीम ने बनाकर चेस कर लिया। तो यहाँ पर 150 प्लस अगर किसी भी टीम का स्कोर हो जाता है तो यहाँ पर चेस करने में काफ़ी मुश्किल होती है। हम सभी मुकाबलों में हमने देखा है कि जो है चेस करना इस पिच पर काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि यह पिच जो है बाउंस और पेस एक्स्ट्रा देती है। इस पिच पर एडिलेड स्ट्राइकर ने दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला वो जीती है और एक मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पर्थ स्कॉचर्स का होम ग्राउंड है, तो उसने 21 मुकाबले खेले हैं इस पिच पर, 12 मुकाबले जीते हैं और 9 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो है विनिंग परसेंटेज जो है पर्थ स्कॉचर्स टीम का अधिक रहा है इस वेन्यू पर, क्योंकि वो
जो है होम ग्राउंड है पर्थ स्कॉचर्स टीम का। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम पिछले 13 मुकाबलों में से जो है 8 मुकाबले इस पिच पर जीती है। तो यहाँ पर जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगी और जो है 150 प्लस अगर स्कोर कर ले जाती है टीम तो यहाँ पर चेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस पिच पर आखिरी मुकाबले में क्या हुआ था, 13 विकेट तो पेसर ने लिए थे, वहीं 3 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा बाउंस होने की वजह से गेंद जो है बल्ले पर ठीक तरह से आती नहीं है और उछाल भरी रहती है, तो क्रॉस लगने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिक विकेट पेसर निकाल कर ले जाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं इस पिच पर पेसर और स्पिनर्स का रोल क्या क्या रहा है। तो इस पिच पर 125 विकेट गिरे हैं 13 मुकाबलों में पेसर ने लिए हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग में 62 विकेट लिए हैं, वहीं सेकेंड इनिंग में जो है 63 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं। तो यहाँ पर दोनों पारियों में जो है पेसर का बोलबाला रहा है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा बाउंस देती है पिच। वहीं जो है स्पिनर्स का रोल देख लेते हैं, 13 मुकाबलों में मात्र 43 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं इस पिच पर, क्योंकि इस पिच पर जो है स्पिनर की गेंदें जो है स्विंग नहीं करती हैं, इस वजह से इस पिच पर विकेट कम मिलते हैं स्पिनर्स को। वहीं फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट लिया है स्पिनर्स ने, वहीं सेकेंड इनिंग में जो है 22 विकेट निकाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस पिच पर बैटल रहने वाली है बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच में, तो यहाँ पर बैटल रहेगी बैट्समैन का। पहले देख लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जॉस इंग्लिश, जो कि 6 मुकाबले 259 रन बनाया इन्होंने, 43 का बैटिंग एवरेज रहा है, 163 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले में। मैथ्यू शॉट 9 मुकाबले 362 रन, 40 का बैटिंग एवरेज, 150 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है, तो ये एडिलेड स्ट्राइकर के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं टीम में। एस्टन टर्नर कप्तान, फॉर्म इनका थोड़ा खराब चल रहा है, 10 मुकाबले 247 रन, 35 का बैटिंग एवरेज, 157 का स्ट्राइक रेट रहा है। क्रिस लिन 4 मुकाबले 117 रन, 29 का बैटिंग एवरेज, 120 के स्ट्राइक रेट से, नाम के हिसाब से इनका काम अभी तक देखने को नहीं मिला है। एडिलेड स्ट्राइकर के बल्लेबाज क्रिस लिन, ये इनका फॉर्म बहुत ही चिंता का विषय है एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से। चलिए अब जान लेते हैं जो है महत्वपूर्ण गेंदबाजों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले में। तो इस मुकाबले में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एंड्रयू टाई, पर्थ स्कॉचर्स के बेहतरीन गेंदबाज, 10 मुकाबले 14 विकेट, 9 की इकोनॉमी और 15 का स्ट्राइक रेट रहा है इनका, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले में। हेनरी थ्रॉन्टन, ये गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, 10 मुकाबले 24 विकेट, कहीं ज़्यादा है एंड्रयू टाई से हेनरी थ्रॉन्टन का प्रेडिक्शन, 10 मुकाबले 24 विकेट, 7 की इकोनॉमी और 8 का स्ट्राइक रेट, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर प्रकार से जो है एंड्रयू थ्रॉन्टन एंड्रयू टाई से अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं जॉ रिचर्डसन, पर्थ स्कॉचर्स टीम के बेहतरीन गेंदबाज, 5 मुकाबले 12 विकेट, जो है 5 की इकोनॉमी और 9 का स्ट्राइक रेट रहा है, ये शुरुआती के 2 से 3 ओवर में ही 2 विकेट या 3 विकेट निकाल कर ले जा रहे हैं और ये ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो आप इनको जो है महत्वपूर्ण प्लेयर्स की लिस्ट में रख करके आप एक बेहतर फैंटेसी टीम बनाने में इनको आप रख सकते हैं। पीटर सिडल, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 मैचेस में 14 विकेट, 7 की इकोनॉमी, 15 का स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये सभी प्लेयर जो कि हमने आपको बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम के बारे में, हेड टू हेड स्टैट्स क्या हैं उसके बारे में। टीम न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, तो टीम न्यूज़ यह है कि एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से एलेक्स करी अभी भी और ट्रेविस हेड अभी भी नेशनल ड्यूटी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं। एडम होस, कोलिन डी ग्रैंडहोम, राशिद खान ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं। पर्थ स्कॉचर्स टीम के न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, तो मिचेल मार्श टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो चुके हैं और जो कि इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाले हैं इस सीजन। टाइमल मिल्स पुल्ड आउट हो चुके हैं बीबीएल 12 से फैमिली इमरजेंसी के कारण, तो वो भी इस सीजन में नहीं खेल सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट के मुकाबले कुछ मुकाबले वो खेलते नज़र आ सकते हैं, लेकिन मिचेल मार्श इस टूर्नामेंट को नहीं खेलने वाले हैं इस सीजन। डुप्लेसी, एडम लिथ, स्टेफन स्किनेजी ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं।
चलिए अब जान लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। तो एडिलेड स्ट्राइकर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में टोटल 20 मुकाबले हुए हैं। 10 मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर ने जीते हैं, वहीं 10 मुकाबला जो है पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हैं। तो दोनों टीमों के बीच 50% विनिंग रेट रहा है, 50-50% दोनों टीमों ने मुकाबले जीते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो पहले एडिलेड स्ट्राइकर के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं। क्रिस लिन मैथ्यू शॉर्ट के साथ ओपन करने आएंगे, वन डाउन बैटिंग करने आएंगे। जैक विदरहेल जिनका कि फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, अभी तक इन्होंने एक भी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एडम होस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोलिन डिग्रो एंड होम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। तो ये हर मुकाबले में रन और विकेट दोनों निकाल कर टीम को दे रहे हैं। थॉमस केली, हैरी नेल्सन इनका रोल केवल विकेट कीपर के रूप में रहा है। राशिद खान, वेस एगर बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबलों में इन्होंने, लास्ट ओवर में इन्होंने अपने 3 विकेट निकाले थे वेस एगर ने, और ये जो है हमारी जीएल टीम में कैप्टन भी थे। पीटर सिडल, हेनरी थ्रॉन्टन, पीटर सिडल ने भी 2 विकेट निकाले थे, ये भी हमारी टीम में शामिल थे, वेस एगर हमारी टीम में शामिल थे, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। वही हेनरी थ्रॉन्टन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं या ये जबरदस्त फॉर्म में है, तो इस मुकाबले में वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो बेंच प्लेयर कैमरून ब्रायस, हेनरी हंट, एलेक्स कैरी, हेनरी कनवे, रियान गिब्सन और ट्रेविस हेड रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की गेंदबाजी वेस एगर, पीटर सिडल और थ्रॉन्टन गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में वेस एगर, पीटर सिडल और हेनरी थ्रॉन्टन गेंदबाजी करते नजर आने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जो है एडम लेथ ओपन करने आएंगे फाफ डू प्लेसी के साथ में, वन डाउन बैटिंग करने आएंगे न्यूक हॉबसन जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और पिछले मुकाबले में देखा कि फाफ डू प्लेसी ने कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, मात्र 4-5 ओवर में ही 50 प्लस स्कोर हो गया था पर्थ स्कॉचर्स टीम का। जॉस इंग्लिस बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, एस्टन टर्नर, अरुण हार्डी, एस्टन एगार, जॉ रिचर्डसन, एडवर्टाइज, जेसन बेहरनडॉर्फ और पीटर हेडजोग्लू जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले मुकाबले। अब देखिए यहाँ पर ये 5-6 गेंदबाजी ऑलराउंडर, इसमें 3-4 ऑलराउंडर टीम में हैं, तो ये जो है किसी भी प्रकार से अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ में टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमने देखा कि अच्छी बल्लेबाजी न होने के कारण 122 या 132 रन बनाए थे, फिर भी उसको चेस नहीं कर पाई थी टीमें, तो ये इनकी गेंदबाजी का ही एक असर रहा है। चलिए अब जान लेते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो बेंच प्लेयर स्टीफन स्केनाजी, कैमरून बेनक्रॉफ्ट, हामिस मैकेंजी, कैमरून ग्रीन, यही आईपीएल 2023 में जो है सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं और इनको जो है मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। और जो है कॉपर कॉनली, मैथ्यू केली, लेंस मोरिस बेंच प्लेयर के रूप में रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की गेंदबाजी जेसन बेहरनडॉर्फ, जो रिचर्डसन और एस्टन एगार गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में आरोन हार्डी, जो रिचर्डसन और एड्रयू टाई गेंदबाजी करते नजर आने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या क्या हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट और फाफ डू प्लेसी को आप जो है जीएल में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइए। और जो है डिफरेंशियल पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में जान लेते हैं। तो जो है जॉस इंग्लिस आपके यूनिक पिक हो सकते हैं, आप इनको जीएल में कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिए, जिससे कि आप बेहतर टीम बनाकर मेगा कंटेस्ट विनर बन सकते हैं। कोलिन डी ग्रैंडहोम बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा पॉइंट देकर जा सकते हैं, तो आप इनको जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। लीन एंड्रयू टाई और हेनरी थॉर्नटन आप जीएल में इनको कम से कम कैप्टन या वाइस कैप्टन तो जरूर से जरूर बनाइएगा किसी भी टीम में। अगर आप थॉर्नटन को कैप्टन बनाते हैं तो आप जो है एक बल्लेबाज को ड्रॉप करके एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फाफ डू प्लेसी इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं और एक जीएल पिक हो सकते हैं, तो आप इनको जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन जीएल में जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। राशिद खान, जो रिचर्डसन स्पेशल प्लेयर होंगे इस मुकाबले के लिए और ये जो है सर्वाधिक विकेट निकाल कर ले जा सकते हैं। जेसन बेहरनडॉर्फ के बारे में हमने आपको बता दिया है, वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो शुरुआती के 3-4 ओवर जो है गेंदबाजी करते नजर आएंगे बेहरनडॉर्फ, जो रिचर्डसन आप इनको जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा।
राशिद खान पिछले कुछ मुकाबले में विकेट नहीं निकाला है, तो इस मुकाबले में वो 2 से 3 विकेट जो है निकाल कर ले जा सकते हैं। आप इनको जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। आरोन हार्डी आपके जीएल पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाजी के साथ में गुच्छों में विकेट लेते हैं। जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो 2 से 3 विकेट एक ही ओवर में भी निकाल सकते हैं, तो इनको आप जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम आपको एक बेहतरीन ड्रीम 11 पर टीम बनाकर दिखाते हैं, और इस प्रकार से आप टीम बनाएंगे तो जीएल में आपका फर्स्ट रैंक आना एकदम निश्चित है। हमारी टीम में जो है जॉस इंग्लिस, फॉब डी प्लेसी, निक हॉब्सन, आरोन हार्डी, जेसन बेहरेंडॉर्फ और जो रिचर्डसन, पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से हमने रखा है अपनी टीम में। वहीं जो है क्रिस लिन, कोलिन डी ग्रैंडहोम, मैथ्यू शॉर्ट, वेसेगर और हेनरी थ्रॉन्टन को हमने जीएल टीम में रखा हुआ है। तो ये इस तरह से जो है आप एक बेहतर टीम बना सकते हैं। आप भी जो है इस तरह से आप जो है हेनरी थ्रॉन्टन और जो है जो रिचर्डसन का आप कैप्टन या वाइस कैप्टन जीएल में ट्राई कर सकते हैं, तो आप इनको कैप्टन और इनको वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं जीएल में, या फिर बेहरेंडॉर्फ को वाइस कैप्टन और वेसेगर को कैप्टन बना सकते हैं, तो जिससे कि एक बेहतर टीम बनकर तैयार हो जाएगी और आप जीएल में इस टीम के साथ जा सकते हैं। एक बेहतर टीम और फर्स्ट रैंक आपको करोड़पति बना सकता है।